सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पर क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, आज के इस रेसिपी वीडियो में हम आपके लिए बनाने वाले एक बहुत ही स्पेशल पराठे। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल के पराठे, जो कि गर्मियों के मौसम में यूपी में बहुत बनाए जाते हैं और इन्हें दशहरी आम के साथ खाया जाता है। यूं तो आप इन्हें किसी भी चटनी, अचार, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो, टिफिन में या नाश्ते में बना सकते हो, पर वहां पर ये लंच या डिनर में बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने की दाल ले ली है और यहाँ पे मैं 2 कटोरी चने की दाल लेने वाली हूँ। चने की दाल को पहले से ही मैंने भिगो के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो ये मैंने 3 से 4 घंटे आपको भिगोनी है, 4 घंटे मैंने भिगो के रख दी थी। अगर आप सुबह पराठे बनाने वाले हैं तो रात को भी भिगो कर रख सकते हैं। और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है अब हम इसको फेंक देंगे। अब दाल को उबालने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें डाल दीजिए आप अपनी भीगी हुई दाल। इसके साथ ही हमें डालना होगा इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी, बस ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अब आप लगा दीजिए कुकर का ढक्कन और हाई फ्लेम पे इसको 4 विसल दे दीजिए। तब तक हम लगा लेंगे अपना आटा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और ध्यान रखिए कि इसमें ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि हमें दाल का मिक्सचर सूखा चाहिए। यहाँ मैंने ले लिया है करीब 2.5 कप आटा, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें। और मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 टेबल स्पून नमक, और इसके बाद मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। जब भी स्टफ पराठे बनाने हैं सबसे पहले आटा लगा के रखें 20 से 25 मिनट रेस्ट करने के लिए। इससे आटा सेट हो जाता है और स्टफिंग भर के बेलना बहुत आसान हो जाता है, फटते नहीं है। दूसरा, ऑयल ज़रूर डालें। तो हमने डाल लिया इन दोनों चीज़ों को, अब कर लेते हैं इनको मिक्स। और इसी वजह से मैं भी आटा पहले लगा रही हूँ, स्टफिंग हम बाद में बनाएंगे, और गारंटेड आपको ये पराठे बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे सॉफ्ट डो बनाना है, टाइट नहीं बनाना आपको। तो लीजिए दोस्तों, आटा हमने लगाकर तैयार कर दिया है, अब हम इसको ढककर रख देंगे एक तरफ। और 4 सीटी के बाद दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये भरता नहीं बनी, हमें बिल्कुल मैश नहीं कर देना है इसको, थोड़ी सी खड़ी रहे दाने और अच्छे तरीके से गल जाने चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देखिए दाल गल तो गई है लेकिन दाना एक एक अलग है। अगर हम हाथ से मसलेंगे तो बिल्कुल आराम से मसल जा रहा है, यानी कि दाल पूरी तरीके से गल चुकी है हमारी। अब हम स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे, और इस नॉनस्टिक कढ़ाई में मैंने डाला है 2 छोटी चम्मच करीब तेल। तेल को हम गर्म हो जाने देंगे। तेल गरम हो जाने पर डालिए इसमें 3 से 4 चुटकी हींग की, ये स्वाद भी अच्छा देगी और डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। और जैसे ही हमारी हींग कुछ सेकंड भुन जाती है वैसे ही हम डाल देंगे इसमें अपनी ये बॉईल करी हुई दाल। और दाल को डालने के बाद हम थोड़ा सा इसी तेल के साथ इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम गैस को कम कर देंगे और ये सारा जो भूनने का प्रोसेस है हम धीमी गैस पर ही करेंगे। अब मैं डालूंगी कुछ मसाले इसमें जो हमें डालने हैं। तो यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच करीब डाला है लाल मिर्च पाउडर, आप टेस्ट के हिसाब से लें। 2 छोटी चम्मच हम इसमें सौंफ पाउडर डालेंगे, दरदरा पिसा हुआ सौंफ है ये, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डालना होता है। अब मैंने डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसके साथ ही डालूंगी 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और थोड़ा मैं नमक डालूंगी क्योंकि हम नमक पहले डाल चुके हैं तो थोड़ा सा ही मुझे डालना है, ज्यादा ना हो जाए ध्यान रखिएगा। सभी को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर धीमी गैस पर ही हम इसको भून लेंगे इस तरह चलाते हुए। इससे मसालों का कच्चापन भी नहीं रहेगा और साथ ही साथ दाल में भी एक भुना हुआ अच्छा स्वाद आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से भून लें तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए भी। स्पैचुला से इस तरह मैश कर दें क्योंकि हमें मिक्सी में नहीं चलाना है, पर थोड़ा इसको मैश ही करना है। कुछ दाने खड़े और कुछ दाने मिक्स से हो जाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन मिक्सी में मत चलाइएगा। आप इस तरह के मैशर का भी यूज कर सकते हो अच्छे से इसको मैश करने के लिए, और फिर अच्छी स्टफिंग तैयार हो जाएगी आपकी। तो स्टफिंग को ठंडा कर लेते हैं पहले। आटा भी हमारा इतनी देर में सेट हो चुका है, इसको देख लेते हैं। और इस टाइम हथेली पे हम इस तरह से थोड़ा सा 2-4 बूंद ऑयल लगा लेंगे, आटे के ऊपर लगाएंगे और इसको मसल कर एक बार चिकना कर लेंगे डो को। इससे डो बहुत ही अच्छा चिकना हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से मसल लें इस टाइम पर। पराठे बनाने के लिए हम एक लोई ले लेंगे और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। इस तरह हमको एक छोटी सी रोटी जैसी बेल लेनी है और इसको हम हाथों से इसके किनारे दबा के थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इससे किनारे थोड़े पतले भी हो जाएंगे, पराठे भरते वक्त ये काम आएगा। अब इस पर हम रखेंगे गुड अमाउंट में अपनी स्टफिंग। आप देखिए स्टफिंग कितनी सूखी हमें बनानी थी, इसी तरह की हमें बनानी है, गीली नहीं चाहिए वरना पराठे भरने में मुश्किल होगी।
तो सूखी रहेगी तो आप अच्छे से भर सकते हो। इस तरह अंगूठे से प्रेशर देके दबा दीजिए आप नीचे और चारों तरफ से उठाते हुए इस पोटली को आप बंद कर लीजिए, जैसे कि आप स्टफ्ड पराठे बनाते हो। और हम इसको हल्का सा भी दबा के एक पेड़ा तैयार कर लेंगे इसका, और फिर हम इसको सूखा आटा लगा के उसी तरह से बेलेंगे। पहले मैं हाथ से थोड़ा सा बढ़ा ले रही हूँ, इस तरह से करने से थोड़ा स्टफिंग इवनली फैल जाती है और पराठा जल्दी से फटता नहीं है, बेलने में आसानी होती है। तो आप जितने बड़े चाहे पराठे बेलिए, हमें मीडियम साइज का बना रही हूँ। और ये जो दाल के दाने दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे और ये सिकने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट देंगे, क्योंकि दाल जो है वो अंदर तक करारी सिक जाएगी और इस तरह से जो पतला सा ऊपर से लेयर हो जाता है, ये टेस्ट और भी अच्छा देता है। तो यहाँ एक तवा गरम कर लिया है, इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने। इसको मैं फैला लूंगी, चिकना कर लूंगी तवे को। और अब इस गरम तवे पे डालेंगे हम अपना तैयार पराठा। गैस को मैंने अभी मीडियम टू हाई रखा है। पहले इसको नीचे से हम सिक जाने देंगे। जब ये थोड़ा सा नीचे से सिक जाता है कुछ देर बाद, तब आप पराठे को पलट लीजिए। देखिए पराठा सिक गया है, मैंने पलट लिया है, कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है। अब इस पे मैं अच्छे से घी लगा दूंगी। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर घी में सिके हुए पराठों की बात ही कुछ और है। तो अच्छे से घी लगा दिया है मैंने यहाँ पर, और दूसरी तरफ से भी हमें सेम तरीके से ही पराठे पे घी लगा देना है। दोस्तों अगर आज की रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो के नीचे का लाइक बटन जरूर हिट कर देना और वीडियो को शेयर करना फेसबुक और व्हाट्सएप पे। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है, आपको पसंद आ गया। और इस तरह किसी स्पैचुला से दबा दबा के पराठे सेक लें, इससे बहुत ही करारे और अच्छे सिकते हैं। देखिए पराठा कितना क्रिस्पी और करारा बना है। इसी तरह का पराठा सेकिए, स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये मेरा पराठा यहाँ पे तैयार हो गया है, इसको मैं सर्व कर दूंगी। और इन पराठों को आप गर्मा गर्म सर्व करिए तो स्वाद दोगुना हो जाएगा इसका। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म पराठे हमारे सर्व करने के लिए तैयार हैं। यूपी में तो इन्हें आम के साथ खाया जाता है। आप अचार, चटनी, सॉस, चाहे किसी के साथ भी सर्व करिए, ये हर तरह से बेहतरीन लगेंगे। और चूंकि दाल से बने हैं तो एक फुल मील है, बच्चों के लिए भी पौष्टिक है ये पराठा, होने के बावजूद सेहतमंद है। जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और फिर से आइएगा इस चैनल पर इस तरह की रेसिपी देखते रहने के लिए।